आपका नाम है इंजीनियर्स इंडिया सरकारी नवरत्न कंपनी है। 55 साल का बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है और भारत सहित अगर आप देखें तो मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में कई सारे देशों में इन कंपनी का कारोबार है। सबसे बढ़िया बात इस कंपनी की ये नजर आती है कि इनकी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, 8,300 करोड़ की ऑर्डर बुक है, यानी सालाना आय का अगर आप देखेंगे तो 3 times है इनकी ऑर्डर बुक। विदेशी निवेशकों का भरोसा स्टॉक पर लगातार बना हुआ और इनफैक्ट पिछली तिमाही के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो एफआईआई ने इस कंपनी में स्टेक बढ़ाया है। पहले सितंबर के आसपास देखेंगे तो 4.43% हिस्सेदारी थी, अब जो रीसेंट फाइलिंग आई है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो विदेशी निवेशक इस कंपनी में 7% हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। डीआईएस यानी देशी निवेशकों का अगर आप देखें तो यहाँ पर भी इनका जो कॉन्फिडेंस है लगातार स्टॉक पर बना हुआ है, ऊंची हिस्सेदारी होल्ड करते हैं, 15.7% स्टेक डीआईएस के पास है। और सबसे अच्छी बात अगर आप देखें तो पिछले 3 साल में कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड काफी सुधरा है, काफी शानदार है। पिछले 3 साल में अगर आप देखेंगे तो कंपनी की आय में 30% सीएजीआर की ग्रोथ देखने को मिली है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी में भी अगर आप देखें तो कंपनी ने 4.3% हिस्सेदारी खरीदी, यानी बेहतर वैल्यू एडिशन कंपनी के पास आते हुए नजर आएगा। लेकिन सबसे बढ़िया बात है कंपनी के फंडामेंटल्स और कंपनी के वैल्यूएशंस बहुत आकर्षक है। 4,790 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है और इतनी अच्छी हाई ग्रोथ कारोबार वाली कंपनी आपको सिर्फ 14 के पी पर मिल रही है। 2 times प्राइस टू बुक है, कंपनी पर बिल्कुल भी कर्ज नहीं है, 29% का आरओसीआई कंपनी एंजॉय करती है। और सबसे अच्छी बात जो आज का फ्लेवर है वो है डिविडेंड यील्ड। मौजूदा भाव के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक 6% की आकर्षक डिविडेंड यील्ड ऑफर करता है। अनिल जी, ये स्टॉक कंटिन्यूस रिटर्न देगा, अच्छे रिटर्न दे सकता है। बिल्कुल, इंजीनियर्स इंडिया नजर रखिए एंड ऑफ कोर्स बीपीसीएल के साथ साथ अब ये भी फोकस में आ रहा है। सर, इंजीनियर्स इंडिया आपको क्या पसंद है इसके बारे में, क्यों करना चाहिए स्टॉक पर फोकस? देख, एक ही चीज के लिए करना चाहिए और वो अगर आप शब्द मुझे टैग दे तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पीएसयू बुल, जी हाँ, बीपीसीएल शिपिंग कॉरपोरेशन 35 रूपए से लगातार, 30 रूपए से हम कह रहे हैं। उसके अलावा भेल 30 रूपए से लगातार, हिंदुस्तान कॉपर 40 रूपए वाले के भाव से लगातार। तो ये सारी वो सरकारी कंपनियां जिन्हें हमने बहुत समय से पहले आइडेंटिफाई किया और इन सारे स्टॉक्स ने आपको कई कई गुना रिटर्न भी दिए हैं। ऐसे में इन सरकारी कंपनियों में जहां वैल्यू है, जिन्हें कई कई सालों तक लोग देखते नहीं थे, जब वैल्यू अनलॉकिंग के मौके सामने आते हैं तब आपको सही वक्त पर खरीदारी करनी चाहिए ताकि आपके पैसे बनते हैं। तो ये 4-5 स्टॉक तो मेरे ऑफ हैंड मेरे दिमाग में आ रहे हैं जो मैंने आपको गिनाया, और ऐसा ही एक स्टॉक और है EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, जो मुझे बेहद पसंद है। क्यों पसंद है? पहला, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है कंपनी की, 8,300 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक जो लास्ट पब्लिश डेटा हमारे पास है, अब और भी हो सकता है थोड़ी कम ज्यादा हुई हो, दिसंबर 2020 की ऑर्डर बुक है अपने पास में, जो इनकी सालाना सेल्स की 3 times है। अब 3 गुना तो इनके पास ऑलरेडी ऑर्डर है, यानी कि 3 साल का काम तो है, लेकिन इस ऑर्डर बुक के बढ़ने के आसार है। क्यों? $60 के ऊपर कच्चा तेल टिका रहता है तो फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज में थोड़ा ऑयल एक्सप्लोरेशन को लेकर एक्सपांशन होते हैं और खर्चे उनके बढ़ते हैं, उसका सीधा सीधा फायदा फिर EIL को मिलता है क्योंकि ये ऑयल एक्सप्लोरेशन से जुड़ा हुआ कामकाज ये करते हैं, तो उसका फायदा इन्हें मिलता है, रिफाइनरी का भी और कंसल्टेंसी देने का भी। तो पहला कारण तो वो है कि इनकी ऑर्डर बुक बड़ी तगड़ी है और वो और बढ़ने वाली है। दूसरा कारण है भारी भरकम कैश। ऐसे आप कैश देखेंगे तो आपको लगभग 50 रूपए प्रति शेयर कैश दिखेगा, लेकिन उससे भ्रमित मत होइए क्योंकि उसमें से काफी कुछ कैश ऐसे जो इनको एडवांस अगेंस्ट ऑर्डर्स मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 25 रूपए के आसपास का कैश कंपनी का कमाया हुआ है इनकी बैलेंस शीट में। आप सोचिए 80-85 रूपए का दाम शेयर का और 25 रूपए के आसपास कैश हो तो फिर आपके लिए शेयर कितना सस्ता हो सकता है, कैश निकाल देता हूँ। और उसी लिहाज से डिविडेंड आप देखेंगे तो डिविडेंड बहुत ही अट्रैक्टिव है, 5 रूपए 15 पैसे का डिविडेंड पिछले साल दिया है, यानी कि लगभग 6% के आसपास की डिविडेंड यील्ड, 6% की डिविडेंड यील्ड आज के मार्केट में लाइफ टाइम हाई पर जब मार्केट है बेहद अट्रैक्टिव है। FIs ने हाल ही में स्टेक बढ़ाई है, 4.5% से बढ़ाकर उन्होंने 7% किए, यानी FIs धीमे धीमे खरीद रहे हैं। और अगला एक और बड़ा कारण है दीप, जो है वैल्यूएशन का। अभी आपको याद होगा, भूल गए तो मैं बता दूं, 81 रूपए के आसपास ऑलरेडी बायबैक सरकार ने किया है, तो इन लेवल के आसपास तो बायबैक किया है सरकार ने। जीरो डेट कंपनी है और वन ऑफ द चीपेस्ट PSU है और बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल वाली और मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनी, ये आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। मेरे टारगेट है 125 रूपए के, शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडर्स कोई है तो वो 100 रूपए के टारगेट रखिए, और जो इन्वेस्टर से लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हैं उनको 125 रूपए के टारगेट के साथ आराम से खरीदें
हड़बड़ी ना करें, जल्दबाजी ना करें, सारे शेयर मिलते हैं, कोई भाग भाग के दौड़ दौड़ के ऐसा कोई जरूरी नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ, अब कोई बीएससी कल जैसा हो सकता है कि 150 रुपए बढ़ जाए, ये हमें भी नहीं पता कि जहाँ खुले वहां से इतना बढ़ जाए, और ये भी हो तो मुझे नहीं पता। बट आराम से आप इनको रडार पर रखिए, लिस्ट बनाकर रखिए, जब बाजार खराब हो या स्टॉक करेक्शन दे आराम से अक्यूमुलेट करते चलिए। ये है आपके लिए EIL, ये स्टॉक जिस पर आपको खरीदारी करने की राय है, खरीदारी करने की राय है। एक और पीएससी स्टॉक में खरीदारी करने की राय है, वह है MTNL। 20.50 रुपए, 20.75 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बड़े लंबे समय बाद ये 18-20 रुपए की रेंज के बाहर निकलता हुआ नजर आया है। और देखिए, जिस तरह से सारी सरकारी कंपनियों में अब धीमे धीमे करके फिर से एक्शन बढ़ रहा है, पीएससी है वो स्टॉक जो फिर से एक्शन में रहेंगे, और ये स्टॉक भी और आगे एक्शन में रहे। उसी बारे में बता दूं, सरकार ने जो इन सारी बीमार सरकारी कंपनियों के लैंड एंड मोनेटाइजेशन की जो एक स्कीम बनाई थी, उस पर आगे और काम होता हुआ दिखेगा। और सबसे ज्यादा अगर लैंड बैंक किसी के पास सबसे बढ़िया वैल्यू का, सबसे बढ़िया लोकेशन का है, तो वो MTNL के पास है। वैल्यू जबरदस्त है, लेकिन MTNL का शेयर इसीलिए नहीं चलता था, फाइनेंशियल तो कभी सपोर्ट किए नहीं। लेकिन दूसरा बड़ा कारण ये था कि अब ये लैंड बैंक की वैल्यू अनलॉकिंग कब होगी ये किसी को पता नहीं था, लेकिन अब धीमे धीमे जिस तरह से दीपम काम कर रहा है, वैल्यू अनलॉकिंग के आपके लिए आसार बनते हुए दिख रहे हैं। और ऐसे में जो हाई रिस्क इन्वेस्टर है, मैं फिर से कह रहा हूँ, देखिए इसमें हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा पैसा बन सकता है। अगर आप एकदम से रिस्क लेकर छोटा पैसा लगाकर रखना चाहते हैं तो स्टॉक दुगुना होने की भी ताकत रखता है। फिलहाल 23 और 25 रुपए के दो छोटे टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी चाहिए। पोजिशनल इन्वेस्टर्स 30 रुपए के आसपास के इसमें लेवल्स रख सकते हैं, इसके लिए तीन टारगेट रखिए, 23, 25, 30, इसको बाद में हम फिर से रिव्यू करेंगे। क्योंकि धीमे धीमे करके सरकार, जैसे ये लॉकडाउन वगैरह मामले सब खत्म होंगे, उसके बाद पूरी तरह से डाइवेस्टमेंट पर, लैंड एसेट मोनेटाइजेशन पर, इन पर पूरा फोकस करेगी, और उस फोकस का फायदा इन सारी कंपनियों को मिलेगा। और एक और बड़ा ट्रिगर बन सकता है MTNL के लिए, ITI की तरह इसे रिवाइव करने की सरकार कोशिश करेगी। आप देखिए, ITI भी इसी तरह की एक बीमार कंपनी थी, आज क्या शानदार प्रॉफिटेबल कंपनी हो गई। 5G रोल आउट MTNL में भी किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि कंपनी बंद करने का सरकार का इरादा है, 5G रोल आउट करने का भी इरादा। तो ये एक और बड़ा ट्रिगर है जिसकी वजह से हमें लगता है कि MTNL में तेजी बन सकती है। 19 रुपए का स्टॉक लॉस रखिए, 23, 25 और 30 ये टारगेट रखिए आपके लिए खरीदारी के लिए। स्टॉक लॉस 19 रुपए का रखकर आपको खरीदारी करनी चाहिए। जी जी, ओके, 23, 25 और 30 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। MTNL फोकस में आते हुए दिख रहा है, बढ़िया मौका बन सकता है आपके लिए, नजर रखते हैं इस काउंटर पर। कुछ और कॉल्स तैयार हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से, पहले बिहुल बागले साहब के लिए, बागले का वंडर। बताएं बागले साहब, दीपांशु, टाटा मोटर्स में मुझे मोमेंटम दिखाई दे रहा है, 320-350 के करंट भाव से बाय करे, नीचे आता है 322 तक ऐड करे, 320 के नीचे का मतलब आपकी 3-3.5 रुपए की रिस्क होगी। 333 तक के अपसाइड में देख रहा हूँ आज और कल में, तो 330-333 ये दो टारगेट है, 330 आज का टारगेट है, 333 में भी इवन 336 के तक पोजिशन में जा सकता है। बिल्कुल, तो टाटा मोटर्स फोकस में भी आ रहा था और अब मोमेंटम भी पकड़ रहा है, 336 के फाइनल टारगेट तक आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं, 320 का होगा स्टॉप लॉस।